अनु भाई सोमपुरा राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के आदेश पर अहमदाबाद से अयोध्या आए थे। बेटे और भाई के साथ अनु भाई ने अयोध्या को अपना घर बना लिया और प्रस्तावित राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम शुरू किया, जिसमें वे अब तक लगे हैं। हम 45 साल की उम्र से जब आए थे, आज 84 साल की उम्र है, तो हमने पूरा जीवन दे दिया है राम के नाम पे। और हम कितनी बार बीमार भी हो गए, फिर भी राम जी ने हमें खड़ा कर दिया कि जाइए आप मंदिर बनाइए। फिर हम कितनी बार बीमार पड़ गया था, कितनी बार जाने जैसा भी हो गया था, फिर भी आज मैं जिंदा हूँ। आज मंदिर राम लला की प्रतिष्ठा होगी, 22 जनवरी को मैं देखूंगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अनु भाई के मुताबिक जब वे अयोध्या पहुंचे तो वहां मंदिर निर्माण की कोई योजना, कोई सामग्री और कोई उम्मीद तक नहीं थी। हमको सीबी सोमपुरा जी आर्किटेक्ट जो है उन्होंने भेजा था, हमको कहा कि तुम 5 कारीगर लेके जाओ अयोध्या। तो हमने कारीगर को पूछा, लेकिन कोई कारीगर आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो बोले हमें तो वहाँ बनने के लिए नहीं जाना है, हमको यहाँ अच्छा है, तो वो नहीं आए। इसके बाद हमने हमारा छोटा भाई और हमारे लड़के को तैयार किया, हम तीनों आए। यहाँ आए जब यहाँ पत्थर भी नहीं आया था, उसके बाद 2 पत्थर कैसे लाए गए, उसी के ऊपर पहली छीनी हमने चलाई। अनु भाई ये भी कहते हैं कि अहमदाबाद छोड़कर अयोध्या में बसना कोई आसान फैसला नहीं था। कठिनाइयाँ तो मैंने बहुत झेली है। मैं जब आया, जब यहाँ रहने के लिए वो मकान भी नहीं था, तो महिला छावनी में रहता था मैं, और यहाँ काम यहाँ करता था, भोजन करने जन्मभूमि जाता था। और कितनी भी सरकारें आ गई, कितनी सरकार चली गई, लेकिन हमारा काम बंद नहीं हुआ, काम चालू रहा था, तो हम डटे रहे। अब अनु भाई की पत्थर नक्काशी कार्यशाला में गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 150 कारीगर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया, तब तक राम मंदिर के भूतल के लिए पत्थरों की नक्काशी का काम पूरा हो चुका था।